और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात है। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, और ये बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है तो कौन काम नहीं करने दे रहा। एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए, 300-300, 500-500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाए, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है, असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है वैसे, अब राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात है। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे दिल्ली के अंदर, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए, उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं।